नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। उद्योग प्रतिनिधि व्यापार मंडल राजा पैलेस शर्मा ट्रांसपोर्ट शुकोहाबाद अड्डे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष प्रकाश भारद्वाज के द्वारा बताया गया कि फिरोजाबाद उद्योग प्रतिनिधि व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की पुरानी कार्यकारिणी को भंग करते हुए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें फिरोजाबाद उद्योग प्रतिनिधि व्यापार मंडल को बढ़ावा मिले। इसके साथ साथ नए युवाओं को नई जिम्मेदारी के साथ व्यापारियों के हितों का ध्यान में रखते हुए व्यापारियों की सुरक्षा और उनके व्यापार को बढ़ावा मिल सके, इस नई जिम्मेदारी में सैयद वासिफ अली को जिला रखी है, किस संबंध में रखी है और इसका उद्देश्य क्या है? व्यापार मंडल को गति प्रदान करने के लिए आज जिला उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल फिरोजाबाद के तत्वधान में मैं प्रकाश भारद्वाज जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में ये बैठक का आयोजन हुआ है। इसमें नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देते हुए इसको ऊर्जा प्रदान करते हुए करने के उद्देश्य से इसका उपयोग कर दिया है। किस किस किया आपने? अली जी जो मेरे बैठे हुए हैं साथ में, इनको महामंत्री की जिम्मेदारी दी है। आप हमारे मीडिया का काम देखेंगे ना, वसीम उस्मानी जी हमारा मीडिया काम देखेंगे, इसी प्रकार हामिद जी अपने उपाध्यक्ष के रूप में काम देखेंगे। इस प्रकार सभी को जिम्मेदारी सौंपते हुए व्यापारियों समस्याओं के लिए समाधान हेतु काम करेंगे, ऐसा संकल्प जाते हुए जिम्मेदारी सौंपे जा रहे हैं। वसीम उस्मानी जी, आपको उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से मीडिया फिरोजाबाद मीडिया का पद दिया गया है, अपने इस पद का किस तरह से सदुपयोग करोगे और व्यापारियों के लिए किस किस तरह की आवाज़ें उठाओगे? आज ये जो मुझे पद दिया गया है जिला मीडिया प्रभारी का, जो व्यापारियों के साथ जो भी गलत घटनाएं होंगी उनको मीडिया के जरिए से दिखाने का काम और व्यापार मंडल से उठाने का काम किया जाएगा, और जो वक्त वक्त पड़ने पर व्यापार मंडल व्यापारियों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा।